जिला सोलन की पांचों विधानसभा क्षेत्र से कुल 29 प्रत्याशियों ने अंतिम दिन नामांकन दाखिल किए थे, जिनकी मंगलवार को स्क्रूटनिंग भी की गई और 26 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। उसके उपरांत बचे हुए प्रत्याशियों की लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। ये जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी सोलन राकेश काव ने दी। उन्होंने बताया कि सोलन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कर्नल धनीराम शांडिल, भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर राजेश कश्यप, कम्युनिस्ट पार्टी के अजय भट्टी, समाजवादी पार्टी के रंगी राम, इनके अलावा इंडिपेंडेंट शशिकांत चौहान, मदनलाल आजाद नामांकन प्रस्तुत कर चुके हैं। गौरतलब है कि नामांकनों की छंटनी मंगलवार को करने के बाद उम्मीदवार 26 अक्टूबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 9 नवंबर को होगा जबकि मतगणना 18 दिसंबर को की जाएगी। सोलन जिले में चुनाव प्रक्रिया के तहत अभी पिछले कल तक जो कि नामांकन भरने का अंतिम दिन था, कुल 29 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं सभी पांचों विधानसभा क्षेत्रों में। उनकी नामांकन पत्रों की जो स्क्रूटनी है, जांच, वो आज की जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो ये जांच कल भी की जाएगी। और नाम वापस लेने का अंतिम दिन 26 तारीख है, जिसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी। तो ये चुनाव की प्रक्रिया बड़े शांतिपूर्ण ढंग से और बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। सोलन विधानसभा क्षेत्र में कुल मिलाकर 6 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 3 राष्ट्रीय राज्य राजनीतिक दल जो मान्यता प्राप्त हैं उनके कैंडिडेट्स ने भरे हैं और उसके अलावा 3 जो हैं अन्य नामांकन पत्र भरे गए हैं।